जालंधर के किशनपुरा स्थित अंतिम स्थान स्वर्ग आश्रम शमशान घाट में ज्योति चड्ढा द्वारा नववर्ष का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर केक काटा गया और लंगर प्रसाद भी लगाया गया। इस मौके पर सभी देवी देवताओं को नए वस्त्र भी धारण करवाए गए और इस अवसर पर पंडित राकेश कुमार, गुग्गा, करण काका एवं पंडित कुलदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। इसी तरह नववर्ष के उपलक्ष्य में माँ कालिका धाम मंदिर में भी केक काटा गया एवं आचार्य इंद्रदेव बबलू जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज असी आया किशनपुरा शमशान घाट च भोलेनाथ दे मंदिर दे विच और नए साल दिया भोलेनाथ नु विश करन आया और भोलेनाथ सारिया दे दुख कष्ट रोग दूर करना हे शंकर भगवान जिन्हां दी मनोकामना ओ तुसी पूरन करना। नया साल मनान आया और छोटा जा एक केक लेके आई हां भोले शंकर दे नाल। नया साल असी मनावांगे और हर साल मनांदे रहिए भोलेनाथ, तुहाडे नाल आशीर्वाद दिओ सानू। जय भोलेनाथ। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योति से किशनपुरा कालिका धाम जहां हर शनिवार को माँ भगवती माँ चंडी का दुख निवारण चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु बड़े दूर दूर से भक्त आकर महारानी के चरणों में शीश झुकाते हैं और मन चाही मुराद को भी पाते हैं। माँ भगवती के आशीर्वाद से हर तरह की मनोकामनाएं महारानी अवश्य पूर्ण करती है। और आज नया वर्ष है, नए वर्ष के उपलक्ष्य में कालिका धाम में समाज सेविका ज्योति चड्ढा जी भी माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। महारानी का आशीर्वाद प्राप्त किया है केक काट करके, महारानी को भोग अर्पण करके। कामना करते हैं आप सभी का भी और माँ भगवती के चरणों में जो भी वंदन करते हैं, जो भी आस्था रखते हैं, महारानी के आशीर्वाद से ये वर्ष आप सभी के लिए सौभाग्य भरा हो, संतोष भरा हो, कल्याणकारी हो, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।